लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बांदा कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सभी अधिकारियों सहित शहर के गणमान्य नागरिक और व्यापारी मौजूद रहे। होली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए आज कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित जिले के सभी आला अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही जनपद के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ व्यापारी भी सब पीस कमेटी की बैठक में उपस्थित रहे। पीस कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी ने अपने मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि होली के त्यौहार में किसी भी तरह की कोई अनहोनी न होने पाए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सभी सर्किल के सीओ और थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि होली के त्यौहार में सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के संदिग्ध लोगों पर पूरी नजर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। होली का पावन तब आप जानते हैं कि आ रहा है, उसके दृष्टिगत जनपद बांदा में पूर्व के वर्षों की भांति ही अमन चैन और सौहार्द बनाए रखने के लिए जनपद स्तरीय पीस कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें बहुत ही बढ़िया वातावरण हमें मिला है और समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को एश्योर किया है कि वो पूर्व की भांति ही जनपद बांदा को विशाल के रूप में शांति के विशाल के रूप में पेश करें। क्या क्या इसके अंदर सुरक्षा के सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग के लिए पूरी जगह तैयारी की जा चुकी है, व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने सेफ, सुरक्षित और शांति। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।